अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट नंबर 9, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वाले चैप्टर का। ठीक है, इसके अंदर हमें अब एक ही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे हो कि बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें बता दूंगा, मतलब मैं नहीं, बुक से, कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आपकी क्या बेसिक चीजें हैं पहले वो समझेंगे, फिर डिटेल में। पहला सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, दूसरा स्केल ऑफ बिजनेस, तीसरा लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, चौथा है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फिर एफिशियंट वर्कफोर्स, और लास्ट है फिजिकल रिक्वायरमेंट। अब एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उससे पहले एक चीज आप करें, आप खुद से सोचे अभी रुक के, कि आप अभी मैं आपको बोलूं कि एक बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना आना चाहिए, तो उस केस में आप खुद से सोचें, फिर जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप नोट करें कि आपने जो चीजें सोची थी उसमें से कितनी चीजें मैच होने लग रही हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी से आपको ये चीज पता लगेगी कि हम कहाँ पे गलती करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग जो होते हैं बिजनेस शुरू तो कर देते हैं बट उसमें वो प्रॉफिट कमा नहीं पाते। तो इसीलिए अब एक चीज और, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई लॉस नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा, एक हमारे पास टॉपिक आया था बिजनेस रिस्क, इसकी वजह से हमारा 100% हम नहीं बोल सकते कभी भी कि हमारा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस रिस्क के बाद बिजनेस का रिस्क है, ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना, एक लेमैन इंसान है, मतलब लेमैन इन द सेंस को कुछ भी नहीं पता, वो बिजनेस शुरू करेगा, एक आप बिजनेस शुरू करोगे, दोनों में फर्क होगा जब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद। ठीक है, क्या फर्क होगा कि देखो बिजनेस रिस्क उसके स्टार्ट करने में ज्यादा होगा, आपके में उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। ऐसी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनके लिए बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस रिस्क और कम होगा, बट कभी भी एलिमिनेट नहीं होगा, हमेशा वो कुछ पॉइंट पे रहेगा ही रहेगा, बट उसको कुछ पॉइंट पे हम मतलब मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। वो मिनिमाइज कैसे करेंगे, हम ये 6 पॉइंट्स के अंदर अभी ध्यान से समझेंगे। मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे मैन्युफैक्चर करना है या लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा, पहले पहले पॉइंट से पढ़ते हैं, सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितने टाइप के हम कर सकते हैं, अनलिमिटेड, मतलब किसी भी गुड्स को बना के मैं बेच सकता हूं, अनलिमिटेड। मुझे उसमें से सेलेक्ट करना है कि मुझे किस टाइप का बिजनेस करना है, प्रोडक्ट को मुझे चूज करना है। पहली चीज, द लाइन ऑफ बिजनेस रीड करेंगे, द लाइन ऑफ बिजनेस इज द फॉरमोस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपका लाइन ही गलत आपने चूज कर लिया तो नीचे आप कोई भी चीज ढंग से करो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, The line of the business is the foremost decision that involves choosing the kind of product to produce. मतलब आपको choose करना है product को जो ज्यादा क्या होगा, efficient होगा, analyzing its existing and future market demand. ये वाले point को थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना। मैं जैसे आज बनाना चाहता हूं shoes, मैं क्या बनाना चाहता हूं, shoes बनाना चाहता हूं। ठीक है, वो बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि शूज की आज की मार्केट क्या है, और शूज में मैं बोल रहा हूं कि मुझे स्नीकर्स बनाने हैं, मुझे शूज में भी स्नीकर्स बनाने हैं, तो मुझे समझना पड़ेगा कि स्नीकर्स की आज की डेट में डिमांड क्या चल रही है। पहली चीज, वो डिमांड अगर अच्छी होगी तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं समझूंगा कि चलो आज अच्छी है, फ्यूचर डिमांड क्या कहती है। मैं एक जो भी मार्केट के एनालिस्ट होते हैं मैं उनको बुलाऊंगा, मैं उनसे कंसल्टेंसी सर्विस लूंगा कि बताओ जरा ये मार्केट का फ्यूचर क्या है। देखो, प्रिडिक्शन 100% तो वो भी नहीं कर सकता, करेक्ट, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हर जगह होगी, 100% तो वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट वो एक बहुत एक्यूरेट नहीं तो उसके मिलता जुलता बता सकता है कि आप 80% 90% सही बता सकता है कि फ्यूचर डिमांड स्नीकर्स की और ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, मैंने डिसाइड कर लिया ओके बढ़ने वाली है, मैंने डिसाइड किया मैं शूज में स्नीकर्स बना के बेचूंगा। प्रॉफिट कंसिडरेशन, कि स्नीकर्स आजकल और बिजनेसेस जो हैं वो कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, जैसे चलो मैंने भी उसका भी पता लगा लिया कि वो कितना कमा लेते हैं। आजकल ये सारी चीजें अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, तो
तो मुझे पता लगा 20% का प्रॉफिट वो कमा लेते हैं, और मुझे लग रहा है 20% का प्रॉफिट कमा लेना अच्छी बात होती है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, प्रॉफिट कंसिडरेशन भी ठीक है, एंड द लेवल ऑफ टेक्निकल नो हाउ। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, शूज बनाने के लिए पैरों में वो फिट अच्छे से आना चाहिए, कोई ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं बनाता, बट ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर कोई लेवल मतलब टेक्निकल चीज होगी नहीं, उसके अंदर भी होती है, कितने का क्या बिकना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले पता लगानी है, फिर आपको डिसाइड करना है लाइन ऑफ बिजनेस। देखो मैंने सोचा स्नीकर्स बनाऊं, मुझे पता लग गया कि स्नीकर्स की डिमांड अभी अच्छी है, बट धीरे धीरे उसकी मार्केट गिर रही है, मैं वो सीधा ड्रॉप कर दूंगा आइडिया कि चल ये वाला नहीं बनाते, अब दूसरा बनाते हैं। लोग गलती यही करते हैं जो बिजनेस में लॉसेस ज्यादा होते हैं, वो ये नहीं सोचते ये सारे पॉइंट्स को बिना डिस्कस करे, वो डायरेक्ट इस वाले पॉइंट पे आते हैं कि ये चीज हमारे पास पड़ी है या मुझे इसका शौक है। देखो मुझे इसका शौक है, मैं इसको बना के सीधा बेचूंगा, वो ये नहीं देखते कि फ्यूचर में इसकी डिमांड गिरने वाली है, अभी बेचोगे दो दिन बिक जाएगा, तीसरे दिन से नहीं बिकेगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज आप क्या करोगे, लाइन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करोगे, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड वाले पॉइंट पे अब आना, ठीक है, पहला डन। सेकंड पे आके आप ये सोचोगे कि चलो शूज में स्नीकर्स बनाने हैं, बट कितने बनाऊं एक बारी में, मार्केट कितना बड़ा रखूं, 100 बना के मार्केट को अपनी लोकैलिटी तक रखूं, फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करूं, क्योंकि देखो कम बनाओगे नुकसान हो भी गया तो कम होगा, ठीक है, ज्यादा बना लोगे एक साथ में अगर नहीं बिके या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका नुकसान ज्यादा होने के चांसेस है। तो आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि बिजनेस का जो स्केल है वो कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, बिजनेस का साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया और मैं सेफ जाने के लिए बोल रहा हूं कि चलो मीडियम रखते हैं, ना इतना हाईफाई अपने उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ना इतना लो कि अपने लोकैलिटी से भी बाहर ना निकले। मैंने बोला अपने डिस्ट्रिक्ट तक इसको अभी तक या अपने स्टेट तक, हम अभी दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर इसको बेचेंगे, तो बिजनेस का स्केल मेरे को समझ आ गया। मैंने ये डिसाइड किया और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि स्नीकर्स बेचने हैं जिसका प्रॉफिट 20% हो जाता है और उसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है। अब सोचो मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने कहा कि मैं इसको बनाऊंगा, इसकी मीडियम ये सब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा मेरे घर के साथ में एक घर खाली है, मैं वहीं पे इसकी फैक्ट्री शुरू कर दूं, तो दोबारा सुनना ध्यान से, मैंने बोला बिना सोचे समझे कि मैं वहीं पे इसकी फैक्ट्री को ओपन करता हूं। मुझे बाद में पता लगा कि जब मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अब देखना मुझे पता नहीं है कि मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए क्या क्या लगेगा, बट मुझे इतना पता है कि क्लोथ तो लगेगा ही लगेगा, और एक रबर लगेगा इसके सोल बनाने के लिए, और भी कुछ लगेगा, बट मैं अभी दो चीजों तक अपनी बात को रेस्ट्रिक्ट कर लेता हूं कि क्लोथ और रबर लगेगा, ठीक है। अब देखो लोकेशन में क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं बिल्कुल भी, जब मैंने घर के साथ में ही फैक्ट्री को शुरू कर दिया, एकदम से मुझे पता लगा क्लोथ और रबर के लिए, जब मैंने लोगों से पूछा या मैंने इंक्वायरी किया, तब मुझे एकदम से पता लगा कि जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये मिलता है शूज बनाने के लिए, वो तो मिलता है मुंबई में। कहां पे, मुंबई में, मिल तो मुझे यहां भी जाएगा, मैं मुंबई से यहां पे मंगवा लूंगा, पर सोचो कितना खर्चा लगेगा उसको मंगवाने में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा और सारी चीजें, रिस्क भी आपका इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें लगेंगी। दूसरी बात, मुझे पता लगा क्लोथ और रबर शूज बनाने के लिए जो ज्यादा अच्छे वो है, जो वर्कर है, वो सारे मुंबई में ही अवेलेबल है, तो मुझे फिर लग रहा है कि यार ये मैंने बिना सोचे समझे घर के साथ में फैक्ट्री खोल दी बिना लोकेशन को चूज करे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि लोकेशन का आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें कहां पे खोलनी है, जहां पे आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की चीप, और आपके पास वर्कफोर्स होना चाहिए चीप वाला, ठीक है। दूसरा, वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब देखो फैसिलिटी, अब जैसे हिमाचल वगैरह है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है तो सही, पर स्मूथ नहीं है इतनी जितनी मुंबई में है। तो मैं जब ये सारी चीजों को कंसिडर करूंगा ना, तब मैं ये बात नहीं करूंगा, लेमन की तरह बात नहीं करूंगा कि चलो यार अपने घर के साथ में फैक्ट्री खोल लेते हैं। मैंने दिमाग लगा के सोचा और मैं बोलूंगा फैक्ट्री सेटअप होगी मुंबई में। तीन पॉइंट्स पे फटाफट से रिकॉल करेंगे। पहला, मैंने बोला शूज में स्नीकर्स बनाएंगे, डिसाइड हो गया, डिमांड अच्छी होने वाली है, इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, मुझे नॉलेज भी है। फिर मैंने बोला इसको मीडियम साइज का रखेंगे अपनी एंटिटी को, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा। फिर मैंने ये बोला इसको मुंबई में बनाएंगे, जहां पे हमारे पास
रॉ मटेरियल अच्छे से मिलेगा, वर्कर वहां के ट्रेंड है, सब कुछ अच्छी चीजें चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया अच्छी खासी है, तो मुंबई में मैंने ये भी डिसाइड किया लोकेशन के बारे में। अब आओ आगे, अभी तक ना सब सोचने पे चल रहा था, मैं सोच रहा हूं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये एक्चुअल में बिजनेस तो अब शुरू हो रहा है, ठीक है। कैसे, देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो अब हो रही है। एक बात खुद सोच के बताना, जब मैंने ये किया सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, कहीं पे भी पैसा लगा? नहीं लगा। फिर जब मैंने ये किया स्केल ऑफ बिजनेस को डिसाइड किया, पैसा लगा? नहीं लगा। मैंने लोकेशन को डिसाइड किया, पैसा लगा? नहीं लगा। लोकेशन को डिसाइड किया, अब मैं जाऊंगा उस एक्चुअल में लोकेशन पे, ठीक है। मैं लोकेशन पे मुंबई पहुंचा, मैंने वहां पे एक जमीन वगैरह देखी, मैंने कहा मुझे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री ओपन करनी है। उसका मालिक आया, उसने बोला क्या करना है, खरीदना है या रेंट पे चाहिए? मैंने कहा कि चलो रेंट पे चाहिए। उसने बोला ठीक है, इतने का रेंट है, इतना ये है, पैसे दो, जमीन ले लो और उस पर अपना बना लो। मुझे सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अब समझना, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई। मुझे सबसे पहले उसको पैसे देके रेंट पे जमीन लेनी पड़ेगी, वहां पे मैं काम शुरू करूंगा तो पहले दिन ही रॉ मटेरियल चाहिए, क्लोथ और रबर चाहिए। फिर दोबारा किसी से खरीदूंगा, वो क्या बोलेगा, पैसे दो। मैंने उनको पैसे दिए, फिर वर्कर को बुलाऊंगा कि चलो शूज को मैन्युफैक्चर करो, वर्कर क्या बोलेंगे, भाई हमारे वेजेस तो दो। तो एक चीज का आप नोटिस करोगे, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एस्पेक्ट, हर बात पे फाइनेंस जरूरी होता है बिजनेस में, हर बात पे पैसे देने पड़ेंगे, फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी टू फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदने से लेके बेचने तक, मतलब फिनिश गुड बना के बेचने तक, आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होने वाली है कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस चाहिए रहेगा, फंड्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। आगे आता है, देयरफोर व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, ऑप्शन, क्या होता है, ऑप्शन, अल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शन। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आपको उसमें से अच्छा सेलेक्ट करना है। कैसे, एग्जांपल देखो, मैं बैंक के पास गया, बैंक वन के पास, मैंने बोला मुझे लोन चाहिए, उन्होंने मेरी बात को ज्यादा सीरियसली लिया, उनको लगा इसको ज्यादा नॉलेज तो होगी, उन्होंने बोला लोन तो दे देंगे, रिस्क ज्यादा है, तो हम आपसे 11% का इंटरेस्ट लेंगे। अब मैं सीधा ये गलती नहीं कर सकता, उन्होंने बोला, मैंने बोला ओके ओके डन, नहीं, मैंने कहा ओके ठीक है। मैं दूसरे बैंक के पास गया, मैंने उनको अपनी बात फिर समझाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ना मुझे लोन चाहिए, ये बिजनेस है। उनको मेरे पे थोड़ा विश्वास लगा, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको लोन देंगे, रिस्क थोड़ा कम है तो 9% पे देंगे। मैं खुश हुआ, मैंने कहा 9% तक तो बात पहुंची। मैं बैंक तीन पे गया, बैंक नंबर थ्री, मैंने उनको अपना प्लान समझाया और वो लोग समझे मेरे प्लान को और वो मेरी इस चीज को समझे कि हाँ मैं सीरियस हूं इस बिजनेस को लेके, और उन्होंने समझा लोकेशन इसने अच्छी चूज करी है, काम करने के लिए बंदा रेडी है, लाइन अच्छी चूज करी है, फ्यूचर की डिमांड है। बैंक तीन को ना ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट हुआ, उसने बोला ठीक है हम आपको लोन दे देंगे 6% पे, मतलब आपसे 6% का इंटरेस्ट लेंगे और आपको हम लोन देने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचो, मैं ये वाला लोन लूंगा बैंक से या ये वाला या ये वाला, कोई भी बोलेगा आप ये वाला लोन क्या करोगे, बैंक से अप्रूव कराओगे। इसीलिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो हमें शुरू से, मतलब पहले दिन से होती है, फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से, बट उसके लिए जो पैसा अरेंज होगा वो भी आपको अरेंज करना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव से, किससे, बेस्ट ऑप्शन से। हर किसी से पूछो जिसका अच्छा ऑफर होगा उससे पैसे ले लेना और उस पे कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो ये चीज भी हमने कर ली, पैसे भी हमारे पास आ गए। अब खुद सोचो, पैसे आ गए, लाइन अच्छी हमने डिसाइड कर ली, लोकेशन हमारे पास अच्छी है, बट जब वर्कर लेने की बारी आई, मैंने वर्कर को लेना शुरू किया, मैं ऐसे ही गया मार्केट में, कुछ लोगों ने बोला कि अरे मैं आ रहा हूं, मैं शूज बहुत अच्छे बना लेता हूं, मैंने कुछ नहीं देखा कि बना के दिखा ये कर वो कर, मैंने डायरेक्टली उसको बोला हाँ ठीक है आजा आजा आजा। ऐसे करके जो वर्कफोर्स मेरे पास आई वो इनएफिशिएंट थी, क्या थी, इनएफिशिएंट, उनको काम करना नहीं आ रहा था, ठीक है। मेरे पास जो मैनेजर आए वो काम चोर थे, वो कोई काम करते ही नहीं थे। इस वाले केस में भी मेरे ऊपर के पॉइंट्स भले ही बहुत अच्छे हो, सारे नेग्लेक्ट होके बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए अ कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड वर्कफोर्स इज द बेसिक इनपुट टू कैरी ऑन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। आपको बिजनेस एक्टिविटी अच्छे से चलानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेंड वर्कफोर्स होनी चाहिए, मतलब काम करने वाले लोग होने चाहिए। In this regard, the entrepreneur must appropriately identify the requirement of human resource for the business, both at the worker level and the managerial level. आजकल आपको पता होगा HR की teams होती हैं हर offices में, जो कि क्या करती है, basically ये teams इसीलिए बनाई जाती है कि वो एक ना efficiency check कर सके worker के level पे भी और managerial level पे भी,
क्योंकि एक वर्कर अच्छे से काम करके शूज अच्छे बनाएगा तो ही वो बिकेंगे, और मैनेजर अगर अच्छे से उन वर्कर को समझाएगा या फिर वो अच्छे से कंपनी चलाएगा तो आपकी कंपनी आगे ग्रो करेगी। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आपको समझ में आ चुका कि 5 पॉइंट्स हैं क्लियर हो चुके। वर्कफोर्स भी बहुत अच्छी, पैसे हमने अच्छे रेट पे ले भी लिए, फाइनेंस हमारे पास अच्छी, लोकेशन अच्छी, लाइन ऑफ बिजनेस अच्छा, सब कुछ अच्छा। लास्ट में बस एक चीज का और ध्यान देने लगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट। आपको चीजें बनाने के लिए मशीन चाहिए होगी, मशीन चाहिए होगी, अदर और भी चीजें चाहिए होंगी, टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, टेक्नोलॉजी आपके पास चाहिए होगी, जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको फिजिकल जो रिक्वायरमेंट होगी ये भी आपको अच्छी जगह से परचेज करनी पड़ेगी, जो एकदम क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। ये सारी चीजें करने के बाद अब आप खुद सोचो, जब मैंने इतना सारा डिसाइड कर लिया, पहले पॉइंट से मैंने सेलेक्ट कर लिया बिजनेस की लाइन को अच्छे से, स्केल ऑफ बिजनेस मैंने डिसाइड कर लिया, लोकेशन को मैंने अच्छे से पूरा स्टडी करके समझा, फिर मैंने अच्छी जगह से पैसे भी उठाने शुरू कर दिए, फिर मैंने उसके बाद वर्कफोर्स भी एकदम अच्छी लेके आ गया। अब आप खुद सोचो, आपके जो बिजनेस के फेल होने के रिस्क हैं वो एकदम मिनिमम हो जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल रिस्क तो हमेशा रहेगा। अर्थक्वेक आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें होने के बाद अर्थक्वेक आया सब एकदम से खत्म हो जाएगा, या पैंडेमिक आया जैसे आया तो उस वजह से भी सारी चीजें एक मिनट में खत्म हो जाएगी। बट ये सारी चीजें करने के बाद आप एक तरह से जो ह्यूमन कॉज है, ह्यूमन कॉज को आप बहुत कम करके, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 90% चांसेस है कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर जाएगा अगर हम इन सारी चीजों पे फोकस कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं एक इंसान को बिजनेस को शुरू करने से पहले कंसिडर करने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बट रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचो, बिजनेस पढ़ने लग रहे हो, कोई कभी पूछ ले बिजनेस कैसे करना चाहिए तो आपको ये सब पता तो होना चाहिए ना। मतलब मान लो खुद सोचो, आप कह रहे हो मैं बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई कर रहा हूं और किसी ने पूछा अच्छा एक बात बता बिजनेस कैसे करना चाहिए कि मतलब लॉस ना हो, तो आप सबसे पहले यही लाइन बोलोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस नहीं होगा, चांसेस कम हो सकते हैं बट ऐसा कभी हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते लॉस कभी नहीं होगा। फिर आप उनको समझाओगे कि आपको ये 4 बातों का 5 बातों का ध्यान रखना है, तो सामने वाले को भी समझ आएगा, इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपको बिजनेस समझ में आ रही है। ठीक है, सिर्फ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें समझनी है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2।